एक समय गोवा में एक खूबसूरत घर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। जो परिवार वहां रहता था वह बहुत पहले बाहर चला गया था और घर कई वर्षों तक सूना पड़ा रहा। लेकिन एक दिन एक युवा जोड़े ने यह देखने का फैसला किया कि क्या वे इसे अपना घर बना सकते हैं। पहली रात वे वहां थे, उन्होंने अटारी से अजीब सी आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर से घूम रहा हो। उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन शोर तेज और लगातार होता रहा। आखिरकार वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके और जांच करने गए। जब उन्होंने अटारी का दरवाजा खोला तो उन्होंने एक आकृति को अंदर घूमते देखा। यह सफेद कपड़े पहने एक महिला थी और ऐसा लग रहा था कि वह कुछ खोज रही है। दंपति ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वह एक भूत थी। भूतिया महिला कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन युगल यह पता नहीं लगा सके कि यह क्या है। उन्होंने उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह उनसे निराश और नाराज हो गई। उसने अटारी के चारों ओर वस्तुओं को फेंकना शुरू कर दिया और अलौकिक शोर करना शुरू कर दिया। दंपति को जल्दी ही एहसास हो गया कि उनका अब घर में स्वागत नहीं है और वे आतंक में भाग गए। वे कभी नहीं लौटे और तब से घर खाली पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भूत अभी भी अटारी पर मंडरा रहा है। जो कुछ भी खो गया है उसे ढूंढ रहा है।